You're watching Shravane Mukti channel. भुवन मंगल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अमृतमय जीवन गाथा जिस जीवन चरित आलोचना करके चिंतन करके हम लोग भी ये संकट चक्र से मुक्त हो करके वो प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उनकी कथा ही ऐसे अमृतमय है, ये कथा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। हरि कथा ही एकमात्र मनुष्य जीवन में सबसे मंगलप्रद, और कोई मंगल है नहीं। यही प्रश्न दक्षिण भारत में जब महाप्रभु संन्यास लेके गए हैं तो वहां राय रामानंद को केंद्र करके महाप्रभु जगत जीव को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। राय रामानंद तत्वज्ञ एवं प्रेमी भक्त महाप्रभु के, एक तो होता है गीता भी विद्या, गीता भी विद्या से वो ज्ञान नहीं होता है, गीता भी विद्या से वो ज्ञान नहीं होता है। और विशेष करके परमार्थ विषय जो है ये भगवत कृपा से ही वो बोध होता है। जब भगवत चरण में शरणागत होकर के, और शास्त्र जो है भगवान का ही वाङ्मय विग्रह है, शब्द ब्रह्म है, शास्त्र को हृदय में धारण करके भगवत चरण में शरणागत होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तुम हमारे भीतर स्फुरित हो जाओ, हम जानते नहीं है, हम अज्ञानी है, तुम हमारे भीतर अनुप्रवेश करके ये तत्व बोध कराओ हमको, हम कुछ जानते नहीं है, हम माया मोहित है, संसार चक्र में घूम रहे हैं। तो फिर भगवान कृपा करके उसके भीतर अनुप्रविष्ट हो करके उसको बोध कराते हैं। ददामि बुद्धि योगं तंग जी नमाम उपजानती थे, मैं फिर बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा मेरे को जान जाता है, और उसके भीतर रह करके मैं ऐसी कृपा करता हूं जो धीरे 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 उसके संसार मार्ग से मुक्त करा करके उसको अपना प्रेम सान्निध्य प्राप्त करा करके धन्याति धन्य कर देते हैं। अहं एव अनुकम्पतो अहं अज्ञानजन्तमो नाशयामि आत्मभावस्तु गणिदिपेन वर्षता, उसको कृपा करने के लिए ये भगवान करते हैं। तो भगवत चरण में समर्पित होकर के जब शास्त्र अध्ययन करते हैं, साधन करते हैं, तभी जाकर के शास्त्र के अंतर्निहित अर्थ जो विषय है वो बोध कराते हैं। नहीं तो शास्त्र अध्ययन करके वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। धर्मस्य तथ्यं निहित गुहायां महाजन जेन गतस्य पन्था, महाजन माने हमारे आचार्य जो है उनके पदकमल अनुसरण करके उनके वाणी को आश्रय करके हमको चलना है, तो फिर जा करके भगवत कृपा से वो बोध हो सकता है। तो राय रामानंद है ऐसे तत्व दृष्टा है, वो कहीं किताबी ज्ञान नहीं है, साक्षात भगवान के परम प्रिय पार्षद ललित सखी का अवतार, उनसे पूछ रहे बताओ साध्य साधन तत्व निरूपण करो। राय रामानंद पहले से लेकर के आखिर तक प्रेम तत्व, रस तत्व, सब तत्व निरूपण किए हैं, सर्वोपरि राधा तत्व, तो ये तत्व निरूपण किए हैं,
आप महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, बताओ मनुष्य जीवन में सबसे मंगल कर क्या है, सबसे मंगल क्या है। हम लोग इस विषय में भी आलोचना करते हुए आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा पूर्वाभास दे रहे हैं। मंगल माने भौतिक विषय, हम लोग भोग सुख, स्त्री कुटुंब परिवार की सुख समृद्धि, धन दौलत मान प्रतिष्ठा, प्रियजन के प्रेम प्रीति सौहार्द, सामाजिक प्रतिष्ठा मर्यादा, इसके हम लोग मंगल जानते हैं। ऐसे होने से जानते हैं यही मनुष्य जीवन में काम्य विषय है, और इसके लिए समस्त कर्म चेष्टा, अध्ययन कराते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के पीछे उनके एक ही उद्देश्य है, वो ऐसे विद्वान बने, समाज जीवन में उनका प्रतिष्ठा बने, फिर धन कमाने का एक अच्छा उपाय बने, समाज में प्रतिष्ठा मिले और आखिर में सुखी हो जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, ये कल्पना करने से तो सुख मिलता नहीं है, सुख भौतिक विषय में जागतिक वस्तु पदार्थ, ये कभी हमारे चित सत्ता जो भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन है, इसको सुख देने में असमर्थ है, ये जानते ही नहीं है। मनुष्य जानते हैं दान दौलत, स्त्री कुटुंब परिवार, हमारे प्रियजन, ये सुख प्राप्ति के एकमात्र माध्यम है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अनित्य सुखंग प्राप्त समान, अर्जुन संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, अगर सुख पाना चाहती हो तो मेरा भजन है। वास्तव भगवत चरण में, भगवत चरण में ही एकमात्र वो शांति है, वो सुख है, वो आनंद है। बाहर में जो दिखता है वास्तव में ये आनंद नहीं, ये आनंद के परछाइयां, आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता इसमें है नहीं, सत्यता है नहीं, झूठ। रास्ते में चलते चलते मान लीजिए आपको एक ब्रीफ केस मिल गया, रास्ते में जा रहे हैं रात्रि में, घर में ले आए, देखते खचाखच 2000 रुपया का नोट लगा पड़ा है ना, इतना आनंद हुआ ना, आनंद होगा कि नहीं। तो संसारी लोग जो है इतना रुपया, लाखों रुपया, एकदम खचाखच 2000 रुपया नोट का बंडल खचाखच भरा है, कहीं फेंक दिया नहीं, कहीं गिर गया, कार में जाते हुए गिर गया, कैसे भी हो, वो तो बस रात भर नींद नहीं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे तैसा करेंगे, कहीं गरीब का हाथ में आ जाए तो वो तो निद्रा तो समाप्त हो जाएगा। ऐसे निद्रा हमारे वहां एकदम, हम लिखी में रहते थोड़ा ग्राम्य वार्ता, लेकिन बहुत सुंदर जानने की विषय है तो ग्राम्य वार्ता, धन का बहुत लोग है, वो धन का लालच तो इतना है, और उनको क्या होता है ये किंवदंती में बहुत विश्वास है, वहां धन गड़ा हुआ है, वहां खोदो तुमको धन मिल जाएगा, ऐसा हमारे हरियाणा में इधर में ये बहुत ऐसा प्रचलन है, यहाँ धन गड़ा हुआ है, कोई कोई है तांत्रिक फांत्रिक है, वो लोग बता देते वहां धन गड़ा हुआ है, वहां तुम खोदने से मिलेगा ऐसे। तो ये भ्रम में पड़कर बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, एक जन वैसे कुछ तांत्रिक मंत्री कैसे कुछ गुणीन है, उसके पास गए हैं, वो कह दिया तुम्हारे वहां ऐसे धन गड़ा हुआ है, तुमको मिल जाएगा, खोदो। वो रहता बाहर और खोदने से तुमको वो धन मिल जाएगा, और ऐसा नहीं तुम हम खोदेंगे तुम्हारे सामने रात में, हमको सिर्फ 50,000 रुपया देना बस, बाकी वो घड़ा जो मिल जाए वो धन, वो जो धन है, जो भी गड़ा हुआ संपत्ति दक्ष का धन तुमको मिल गया वो तुम्हारा, हमको सिर्फ हमारे परिश्रम के लिए 50,000 देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो समझ गया भाई ऐसे ही है, दूर रहता है, कहाँ हमारी जहाँ रहते हैं ईट भट्टा है वहां कहीं
एकांत स्थान में गाड़ा हुआ धन है, ये कैसे जानेगा? उसको ले आया एक दिन रात्रि में ले आया, कोई जानता नहीं है, खोदा रात्रि में अंधकार में, कोई नहीं, सुनसान, खोदते खोदते भाई सोने का घड़ा मिल गया, उसका हाथ में दे दिया घड़ा, पुराना घड़ा, और वास्तव में मोहर है सोने का सिक्का घड़ा हुआ। सोने का सिक्का घड़ा हुआ, घड़ा में सोने का सिक्का, कह दिए इसको अभी नहीं, मुंह ढक के इसको 7 दिन पूजन करना घर में एकांत में, पूजन करना, उसके बाद इसको व्यवहार करना, अभी पहले व्यवहार में लाना नहीं। इतना बड़ा घड़ा, सोने का सिक्का घड़ा हुआ है, वो तो देखा रात रात में करोड़पति बन जाएंगे, 50,000 उसको दे दिया, 50,000 लेके चला गया। और क्या हुआ, वो घड़ा लेके आ गया, आके घर में रख दिया, और सुबह सुबह हमारे पास आके रोना शुरू कर दिया। हम बोले भाई क्यों रोते हो, क्या बात है? ना बाबा आपकी बहुत कृपा है। हमारी कृपा भाई, हमारी कृपा ऐसे हो गया? हमारी कृपा हमारे ऊपर तो होता नहीं भाई, तुम्हारे ऊपर क्या कृपा हुआ? बाबा बहुत कृपा, हम तो अब हमारा सब काम बन गया आपकी कृपा से, आप ही की कृपा से बाबा, आपकी कृपा, आपकी कृपा बिना ऐसे। हमारे भाई हुआ क्या बताओ ना, हमारी कृपा से ऐसे हो गया, हमारी कृपा हमारे ऊपर होता नहीं, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा हो गया, ये तो बहुत भाई चिंता की विषय है, हमारी इतना कृपा शक्ति हमारे अंदर है भाई, ये तो बहुत चिंता की विषय है, हमारे अंदर इतना शक्ति आ गया है, ऐसे कृपा करके मैं एक सोने का घड़ा ऐसे से बताया, हमको एक सोने का घड़ा मिल गया, और सिक्का भी ले आया हमारे पास। हमारी कृपा से सोने का घड़ा मिल गया, हमारी कृपा में तो हमारा संदेह हो गया, हमारी कृपा के प्रति हमारा भाई बिल्कुल संदेह हो गया। हम बोले इस सिक्का तुमने दिखाया किसी को? जब स्वर्ण कार है जो है उसको वहां देखे, दिखाओ देखो इसका सिक्का कैसे है, आज ही जाओ, अभी जाओ। तो वहां गया, सोने के सोनार का सोनार बस दिए, नकल नकल है तो सोना पोना। फिर घर में गया, ऊपर में 2-4 ऐसे ढका हुआ था सिक्का का, जैसे ब्रोंज ब्रोंज जैसे कुछ देखे, भीतर में ये है ना जला हुआ जो कोयला है ना, कोयला भरा हुआ, तो ये सब लिखी थी घटना सही है। फिर तो बहुत दुखी हो गया, अरे 50,000 लेके हवा, वो पहले से आके ऐसा करके गाड़ के गया है वहाँ, और उसे परिचय था, बहुत दिमाग लगाने वाला है। तो क्या वो घड़ा ना उसको सुखी किया पहले, ना पीछे उसको दुखी किया, ये एकमात्र मान्यता स्वीकृति, मान लिया हमको सोने का घड़ा मिल गया, खुशी में एकदम भर गया, मिला नहीं अरे दुखी हो गया, वो घड़ा ना उसको सुखी किया ना घड़ा उसको दुखी किया, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र, संसार ऐसा ही है, आरोप प्रत्यारोप, आरोप होता है हमको सुख देंगे, पीछे बहुत भारी दुख देते, अरे ये हमको दुखी कर दिया, जिसको अपना समझ के हमने सब कुछ लुटा दिया, वो हमको इतनी बुरी तरह से हमको दुखी किया। तो ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, यहाँ सुख मिलना संभव नहीं है, वास्तव में ये तो एकमात्र भगवत चरण में सुख है। जब तक साधक सब कुछ छोड़-छाड़ के भगवत चरण में समर्पित नहीं होता है, तब तक जाकर के उस सुखानुसंधान से उसकी निवृत्ति होना बंद नहीं होता है, संसार चक्र में सुख के अनुसंधान में अनंत काल घूम रहा है और घूमता रहेगा, क्योंकि आत्मा ही है आनंदमय होने का कारण, आत्मा की सुखानुसंधान आनंद अनुसंधान एक उसका आत्मा के स्वभाव है, वो स्वरूप ही आनंदमय है। आनंद खो गया, खो गया माने स्वरूप भूल गया, आनंद है स्वरूप में, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का ही हूं, मैं सदा आनंदमय, आनंद के लिए बाहरी कोई वस्तु का इंतजार नहीं, हम मैं स्वयं आनंदमय हूं, लेकिन वो स्वरूप जो हमने भूल गया, आप प्रकृति को जड़ रूपा प्रकृति को हमने स्वरूप मान लिया, मैं हूं,
तो मैं जो आनंदमय सत्ता हूं चिन्ह उसको भूल गया, आप जड़ रूपा प्रकृति शरीर को मान लिया मैं हूं, स्वरूप स्मृति के कारण आनंद भी भूल गया। चिंता करते चिंतन की विषय है, ये सुनने से काम नहीं बनेगा, चिंता करने के चिंता के विषय है। हमारा स्वरूप आनंदमय है, वो स्वरूप सता आनंदमय है, वो स्वरूप भूल गया माने स्वरूप ये प्रकृति में विलय हो गया, प्रकृति चैतन्यमय हो गया, शरीर मान लिया ये मैं हूं। तो अब स्वरूप विस्मृति के साथ साथ आनंद भी हमने भूल गया, खो गया, लेकिन आनंद तो हमारे साथ है, मैं आनंदमय हूं। अब मिलेगा कहां, मिलेगा कहां, ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं ना, जड़ रूपा प्रकृति में देखने में ये है, रुपया पैसा घर मकान दुकान स्त्री प्रेमी जन, कोई प्रेमी प्रेमी नहीं है, कोई किसी का प्रेम नहीं करते, वो सब में वही चेतन सत्ता का आभास होता है और सोचता है इसमें आनंद है, शरीर चलता है, चेतन है, स्त्री चलता है, तो लगता है ये बहुत प्रेमी है, लेकिन ना वो आनंद वो चेतन सत्ता को आनंद प्रेम करता है उसको नहीं, मरने का बात जा करके फिर रोता है, तुम हमको छोड़ के कहां चले गए, तो चला गया कौन, किसके लिए रो रहे हो, वही चेतन, वो आनंदमय सत्ता, वो मैं आनंदमय हूं। स्वरूप स्मृति कारण जरूरपा प्रकृति से दृश्यमान जागतिक प्रकृति से जब तक वो सुखानुसंधान करता रहेगा, सुख प्राप्ति के लिए चेष्टा करता रहेगा, तब तक जा करके वो वंचित होगा ही, होना ही पड़ेगा, क्यों इसमें सुख है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आप बोलोगे तो आपको सुख मिलता है, आप कैसे झूठ बोलोगे, बोले ये सुख नहीं, वो नहीं दे रहा है, तुम भ्रमित हो रहे हो, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, तुमने आरोप करके हमको सुख मिल रहा, सुख मिल रहा, सुख मिल रहा ना, वो तुम्हारा ही जो आनंद है ना, वो आनंद का ही एक झलक खिल रहा है, एक प्राकृतिक लौकिक दृष्टांत तो दे दे ना। दो तरुण तरुणी बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे को छोड़ के, पलक के लिए अलग रहना उनके लिए कष्टदायक है, तो अपने प्रेमिका को कह दिया हम ऐसे जगह रहेंगे संध्या के समय तुम आ जाना, वो जाके अंधकार में बैठा है, इंतजार में जाएंगे हमारे प्रियजन आएंगे, बड़े खुशी होकर के बैठे हैं, प्रियजन वचन दे दिया हम आएंगे, और वहां से कुदरत ही उसके एक दोस्त जा रहा था, वहां से देखा वो अंधकार में बैठा है, तो हमारे दोस्त कैसे यहां बैठे चुपचाप, वो जाकर के चुपचाप उसको किसी से आंख को बंद कर दिया ऐसे करे दो हाथ से, और वो जो बैठे वो सोच लिया हमारे प्रियजन जो वो आके हमको पकड़ लिया, है ना, आनंद में पूरा पुलकित तो हो गया एकदम, तो सही सही हमारे मित्र जो है वो आ गया। अच्छा बोलिए आनंद उसको कम मिला, थोड़ा सा भी कम मिला, वो जो चिंता कर रहा ये हमारे प्रेमिका आके हमको पकड़ लिया, क्या उसको थोड़ा सा भी कम मिला कि नहीं, आपको बताओ सही सही बताओ, पूरा मिला आनंद, लेकिन वो है नहीं, वस्तु है नहीं, आनंद मिला कैसे, कैसे मिला बताओ, आरोप हमको मिल गया, यह है, यह है, इस संसार ऐसा है। फिर हाथ लगाया देखते हैं मर्द का हाथ है बगल, अरे बस आनंद तो उग गया, अरे तू यह कैसे आ गया, फिर दुखी हो गया, कब तो हमारा बिगड़ गया तो दुखी किसने किया, मित्र ने किया, उसने दुखी किया, उसका भावना, ये संसार ऐसे नाटक में पड़ करके भ्रमित हो रहा है, ये खेल चल रहा है, ये सत्यता है नहीं, ये भावनात्मक है, ये सत्य इसमें वास्तव सत्य है नहीं, ये कल्पना आरोप, जैसे स्वप्न में हम आनंद पाते हैं, उस आनंद का जो क्रिया के जो विकार होता है वो सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर
आरोप प्रत्यारोप होता है, वो सो रहा है उसके ऊपर वो विकार आ जाता है, क्यों आता है, वो तो सोया है। आरोप प्रत्यारोप संसार दृष्टिमान जगत शरीर धर्मी मनुष्य मात्र ही यहाँ सुख पाने का कोई संबंध संभावना नहीं। ये मृग मरीचिका जैसे देखने में पानी जैसे लगता है, पानी है नहीं, देखने में पानी है और प्यासा जी भागता है, भागते 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 पानी तो मिलता नहीं है, शरीर त्याग देता है। ऐसे आनंद अनुसंधान करते करते पुत्र में नहीं तो कन्या में है, कन्या में नहीं तो विषय में है, विषय में नहीं तो ऐसा आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, मिला नहीं, इतना दिन मिला नहीं, आगे तुमको मृत्यु का समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, अभी भी तुम्हारा वो मिलेगा। अरे भाई इतना दिन तुम्हारा उमर हो गया, इतना दिन क्या मिला तुमको, अनुसंधान करो, मिला मिला नहीं तो आगे छोटा थोड़ा सा समय बचा है, क्या मिले, कौन सा आशा लेकर बैठी हो, ना मिलेगा। ऐसा करते करते एक दिन अनिच्छाकृत काल चक्र आकर के मकान खाली करा देता है, बस वो संस्कार लेके फिर मरता है, फिर जाकर के संस्कार अनुरूप फिर जाके उसको ऐसे ही शरीर मिलता है, फिर वहां जाके हाय कहा आनंद, कहा आनंद, कोई भी प्राणी कोई भी शरीर प्राप्त हो जाए उसमें उसका वही आनंद अनुसंधान, आनंद प्राप्ति के लिए उसको कोई शिक्षा देने का प्रयोजन है नहीं, प्रकृति के साथ आनंद प्राप्त करने का उसको शिक्षा देने का भी प्रयोजन होता नहीं है, ऐसे प्रकृति जातो भगवान ने ऐसे रचना किए हैं, लेकिन है नहीं, कुछ है नहीं, है ना, ये संसार है। अनित्यम सुखम लोकमिम प्राप्त भजन सुमाम, इसीलिए कहते हैं इस मंगल तुम जो समझ रहे हो धन विद्या बल प्रियजन प्रियजन प्रिय मिलन इत्यादि भोग सुख समृद्धि धन वित्त वैभव जो जो भी तुम मान रहे हो सुख प्राप्ति के जो तुम्हारे माध्यम है, वास्तव में ये है नहीं, ये तुमको वंचित होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो क्या है मंगल, क्या है, बोले मंगल एकमात्र सत्संग, बिन सत्संग ना हरि कथा देह बिन मोह न भा मोह गए बिन राम पद होए न दिल अनुराग। जब वो सत्संग ऐसे महापुरुष के सान्निध्य महापुरुष के चरण प्रांत में बैठ करके उनको मुखरिष्ठित अमृतमय हरि कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, अगर वो कथा सुन करके तुम्हारे भीतर तुम्हारी चेतन सत्ता जाग गया, अगर तुमने उसमें अनुप्राणित होकर के अगर भक्ति मार्ग में चलने के लिए प्रयत्न करोगे कायम वचन से, तो अवश्य तुम वास्तव सही जो शांति सुख है वो तुमको मिल जाएगा, तुम गलत राह पर तुम चल रहे हो, सही मार्गो ये दिखा देते संत साधु। इसलिए कहते हैं सबसे मंगल कर है संत संत संग, सबसे मंगलप्रद है साधु संग, ये सबसे मंगलप्रद है। कभी भी मौका मिल जाए ऐसे संत संग करने का मौका मिल जाए, उनके श्रीमुख से हरि कथा श्रवण करने का, वो भी सप्त संग से बड़े बड़े बात करने से सत्संग होता नहीं है, सत्संग जो निष्प्रिय निर्लिप्त जो निस्वार्थ आचरणशील अनुभवी ऐसे वक्ता होना चाहिए, ये भी बहुत दुर्लभ है, और श्रोता भी ऐसे होना चाहिए जो सच्चा मंगल कामी है, जो सही मंगल चाहते हैं और उस पर उस चलने के लिए तैयार हो जाते हैं कायमन वचन से, जो महापुरुष की मुख निश्चित जो कथा उपदेश है वो पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, ना हमको चलना है, हमको चलना है, जैसे कहते हैं ऐसे कायम वचन से चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो जाके वो सही मार्ग पकड़ करके ठीक ठीक पहुंच जाते हैं, वो शांति परम शांति पद प्राप्त कर लेते हैं, ये है ना, ये परम मंगलमय जो मार्ग है वह है ये सत्संग। इसीलिए कहते हैं पहले भक्ति संतन कुल संगा, दूसरी भक्ति ममो कथा प्रसंगा, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधांत परस्परम कथांत मांगनी संतुष्टि च रमंति च। कैसे सत्संग, ना मत चित्ता मदगत प्राणा, जिनके चित्त में सिर्फ ठाकुर जी है और कोई जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति है नहीं, ऐसे अंतकरण वृत्ति जो है सत्संग ऐसे होना चाहिए। सत्संग जो करने गए हैं वो भी देखते हैं भाई अभी तो समय बहुत है,
चलो बाबा के बैठे, चलो थोड़ा सा फिर प्रसाद भी मिल जाएगा, फिर चलेंगे हम तो 10 बजे। चलो चिंता है अभी तो जल्दी जितना बाबा कथा समाप्त तो हो जाए आप चलेंगे, ऐसा नहीं। ये हमारे जीने का आधार है, ये शब्द जो है, ये शब्द ही हमारे एकमात्र सही मार्ग, हमको सही मार्ग प्रदर्शन करा रहे हैं, जिससे मार्ग पकड़ करके हम सही शांति मार्ग अवलंबन कर सकते हैं, सही शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जान करके तन मन से वो कथा श्रवण करते हैं, ऐसे होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सुनने से होगा नहीं। सुनते हैं, कितना हरि कथा सुनते हैं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ना उनके मन में उसके प्रति कोई विशेष आग्रह है, ना चलने के लिए उनके भीतर कोई प्रेरणा है, ना इस संसार दुखमय ये सही जान करके इससे निवृत्त होने के लिए उनके भीतर कोई किंचित मात्र चेष्टा है। तो ऐसे जो है वो तो संसार सुख में रमे हुए हैं, तो रमे होने का कारण वो देखते हैं भाई क्या सुनेंगे, ये तो बाबा जी है, इनका क्या है, घर मकान दुकान कुछ है नहीं, स्त्री पुत्र कुटुंब है नहीं, चलो हमारा तो सब कुछ है, भजन करने से काम फिर चलेगा, ऐसा नहीं। हरि कथा जीवन का आधार है, वास्तव में यही मार्ग है, ऐसे जानकार के काय मन वचन से वो कथा श्रवण करना चाहिए, श्रवण के साथ साथ उसको मनन करना चाहिए, मनन के साथ साथ उसमें चलने के लिए आग्रह करना चाहिए, उसमें चलने के आग्रह के साथ साथ उसमें सचेष्ट होना चाहिए, उत्तरोत्तर यह है मंगल प्राप्ति के ऐसे मार्ग है, ऐसे है ना, नहीं तो सिर्फ दुर्बल श्रवण कथा सुन रहे हैं उसमें कोई आसान नहीं, मन में हमारे प्रति कोई विकार नहीं, मन में हमारे प्रति कोई उत्साह नहीं, तो ऐसा नहीं, ऐसा कथा सुनने से होगा नहीं। मत चित्ता मदगत प्राण, ऐसे जिनके चित्त वृत्ति हमें समर्पित है, जैसे यह वृंदावन धाम है, यहाँ जो आए हैं सभी सब परमार्थ लोभी है, अल्प भाग से यहाँ आना संभव नहीं है, यहाँ जो भी आते हैं सभी परमार्थ लोभी है ना, तो यहाँ जो कथा होती है ये कथा बाहर मिलना संभव नहीं है, यहाँ कुछ लेना देना है नहीं है, यहाँ उद्देश्य एक है कि सबका भला हो, साथ साथ वक्ता भी चाहते हमारे भी कल्याण हो, हम जो कह रहे हैं वास्तव में ये प्रभु हमारे भीतर से ये सही सही मार्ग दिखाए सबको, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ऐसे चिंता लेकर के ये हरि कथा परिवेशन होती है यहाँ। लेकिन ऐसे सत्संग बाहर थोड़ी मिलेगा, इसीलिए कहते हैं सत्संग कैसे होना चाहिए, ना मदगत चित्ता मदगत प्राण, जिसके मन प्राण हमें समर्पित है और चित्त वृत्ति सिर्फ हम ही में है, मदगत चित्त मदगत प्राण बोधांत परस्परम आपस में कथन तो मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति आनंद प्राप्त करते हैं, हरि कथा सुन करके पुलकित हो जाते हैं, आहा हम धन्य है जो आज ऐसे हरि कथा में जो श्रवण करने का हमको ऐसे मंगलमय मार्ग प्राप्त करने का हमको मंगलमय कथा श्रवण करके कल्याण करने का हमको मौका मिल रहा है, ऐसे भावना लेकर के श्रवण करना। मत चित्ता मदगत प्राण बुधांत परस्पर आपस में, ये नहीं तुम भी कुछ कहो सुनाओ, तद्विद्धि प्रणिपात न परिपृष्ट न शिवया, ऐसा नहीं हम सुन के चले जाते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न है लेकिन हम कहते नहीं है, जैसे बाहर में कथा होती है, यह ऐसे नहीं, ये सत्संग है, सत्संग अलग चीज है, जहाँ कि ना कुछ हमको प्राप्त करना है हमारे मंगल के लिए, कुछ ऐसे हमको मंगलमय शब्द मिलना चाहिए और साथ साथ हम भी जानते हैं, तो ठीक तुम भी कुछ सुनाओ, है ना, तो तद्विद्धि प्रणिपाते में परिप्रश्न सेवया, परिप्रश्न ये एक सेवा है, प्रश्न करना चाहिए जे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सत्संग है ना, तो कथांत मान्यतम तुष्यन्ति च रमन्ति च, आनंद प्राप्त करते हैं और उसमें रम जाते हैं एकदम वो कथा में, ऐसे सत्संग होता है, ऐसे सत्संग होना चाहिए, तो जाके उसको ये मंगल होता है ना।
तो महाप्रभु के प्रश्न से राय रामानंद उत्तर दे रहे, जो ये जगत में सबसे मंगलप्रद है एकमात्र सत्संग। ये सत्संग से मनुष्य जीवन में बहुत भारी परिवर्तन, संसार जीवन में बड़े बड़े भोगी जो है सत्संग के माध्यम से वो जोगी बन करके संसार चक्र से मुक्त हो गए हैं, ऐसे सत्संग है ये सत्संग जो है। बड़े बड़े भोगी वो जोगी बन गए हैं। तो ये सत्संग है अमोघ, ये कथा जो है अमोघ, इसीलिए सबसे मंगलप्रद है। अगर ऐसे प्रेमी भक्त, आचरणशील भक्त, अनुभवी भक्त, निष्प्रिय निर्लिप्त भक्त, ऐसे भक्त के मुख से अगर हरि कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए तो किसी भी कीमत पर उस मौका को छोड़ना नहीं चाहिए, ये सबसे मंगलप्रद है, ऐसे राय रामानंद कहते हैं। तो महाप्रभु फिर प्रश्न करते हैं, अच्छा बोले मुक्त मध्य सबसे श्रेष्ठ मुक्ति क्या है? मुक्त मध्य कौन मुक्त सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है? अरे मुक्ति तो मुक्ति अगर श्रेष्ठ और गौण है क्या मुक्ति? हम बांधे हुए हैं, है ना, तो बंधन खोलना ही तो मुक्ति है ना। इसमें श्रेष्ठ मुक्ति और साधारण मुक्ति ऐसा तो होता नहीं, बंधन खोलना ही मुक्ति है। हम बंधे हुए हैं, बंधन किसी ने काट दिया मुक्त हो गया। लेकिन ये महाप्रभु पुष्ट करते हैं मुक्त मध्य कौन मुक्त श्रेष्ठ को रिगुनी, कृष्ण चरण भक्ति जैसे मुक्त शिरोमणि। अरे भाई मुक्त तो बंधन मुक्ति ही तो मुक्ति, फिर इसके अंदर की छोटा बड़ा कोई मुक्ति है क्या? हमारा बंधन खुल गया मुक्त हो गया, ये कैसे प्रश्न है ना, प्रश्न चिन्ह लगता है ना। मुक्ति वास्तव में मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है वास्तव? मुक्ति जो है मुक्त शब्द उसको कहते हैं ये आत्मा, ये भगवान भगवान के अंश है, चित सत्ता है, ये भगवत चरण से विस्तृत होकर के ये आकर के प्रकृति के साथ संलिप्त होकर के प्रकृति के साथ एक तादात्म्यता के कारण ये भूल गया जो मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का चिदंश हूँ, मैं आनंदमय हूँ, नित्य सत्य सनातन शुद्ध बुद्ध चिन्मय हूँ, मैं सत आनंदमय हूँ, ये भूल गया। भूल करके एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके 84 लाख जोनी में शरीर बदल 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 के इस तरह से कर्म संस्कार अनुसार भोग अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त हो करके वो ये भ्रमण कर रहा है, यह है बंधन। इससे बंधन से मुक्ति ही है मुक्ति। ये कैसे है ना, जब महापुरुष की कृपा से गुरु कृपा से वो जान जाता है जो वास्तव में हम ये जो शरीर धर्मी बन करके मैं ये शरीर को मान लेता हूं मैं हूं, सबसे बड़ा भूल है, मैं शरीर नहीं न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, स्वरूप विस्मृति संसार बंधन का जड़। संसार बंधन क्या है? स्वरूप विस्मृति, स्वरूप मैंने चिन्मय, मैं चित वस्तु, मैं आनंदमय हूं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है अमल, अमल माने मायामल रहित, मायामल रहित मायामल माने सत्य रजतम तीन गुण, ये मूल मुख्य माया बंधन है सत्य रजतम, ये माया मल रहित और सत आनंदमय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि माने सत आनंदमय, मैं स्वयं आनंदमय हूं, मैं स्वयं आनंदमय हूं। हमको आनंद प्राप्ति के लिए कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं पूर्ण आनंदमय हूं, सत आनंदमय हूं। लेकिन वो आनंद विस्मृति हो गया जब हम शरीर धर्मी बन गए हैं, तो आनंद स्वरूप विस्मृति के साथ साथ मैं अपना आनंद को भी भूल गया। लेकिन आनंद तो हमको छोड़ता नहीं, हम तो आनंद स्वरूप ही तो मैं आनंदमय हूं, है ना, मैं तो आनंदमय हूं, वो भूले भूलने का वस्तु थोड़ी है। तो शरीर में तो आ गया, शरीर तो ये जड़ वस्तु है,
अब आनंद को ढूंढ रहे हैं। वो गया कहाँ गया भाई, हमारा आनंद कहाँ गया, आनंद आनंद कहाँ गया? अरे आनंद तुम ही आनंदमय हो, आनंद कहाँ गया ढूंढ रहे हो? इसमें है आनंद, उसमें है आनंद, उसमें है आनंद, भागता है प्रकृति में, अंधकार की ओर भाग रहा है, जहाँ आनंद है नहीं उसमें भाग रहा है, भागते 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 भागते, जैसे हरिण है ना, हरिण के नाभि में जब कस्तूरी जन्म लेता है ना, उसके सुगंध आता है, सुगंध आने से फिर वो वन वनांतर भागता है, वो गंध कहां से आ रहा, वो इतना सुगंध आता है वो भागता रहता है, कहां से आ रहा, इधर इधर ऐसे ऐसे भागते 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 मर जाता है वही हरिण। एक कस्तूरी जाओ, सब हरिण में होता नहीं है, बहुत पूरा बहुत उम्र होने से तब जाके किसी किसी हरिण में कस्तूरी होता है, है अपने नाभि में अपने भीतर, लेकिन वो ढूंढता है आनंद गंध कहां से आ रहा है। ये मनुष्य जीवात्मा ऐसा ही, वो आनंद ढूंढो, आनंद आनंद कहाँ है, स्त्री पुरुष हाय हाय ये सब संसार है, सब हमको इसमें आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलना है नहीं मिलेगा नहीं, ये संसार आनंद है नहीं, भगवान सृष्टि किया है, भगवान खुद कह रहे हैं अनित्यम असुखम मेरा भजन करो, अनित्यम असुखम लोग प्राप्त भज सुख। तो ये चिदंश चित सत्ता हम है, ये जब तक इसके ये विस्मृति स्वरूप, विस्मृति स्वरूप माने मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, मैं भगवान से अभिन्न हूं, उस स्वरूप में जब तक वो स्थित नहीं होता है, जब तक स्वप्न अवस्था में रहता है तब तक स्वप्न का जो विकार है उसको मिलना मिलता है, मिलता रहता है, जब निद्रा टूटने से सी देखते अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे, तो देखो कुछ नहीं, हम स्वप्न देख रहे थे, ऐसा भयभीत हो रहे थे, ऐसे दुखी हो रहे थे, कुछ नहीं। उसी दिन जब जीव सही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसमें स्थित हो जाता है, तभी जाकर के उसका ही अज्ञान ग्रंथ खुल जाता है, निग्रंथा इसको कहते निग्रंथा, ग्रंथ मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है, वो उसको कहते हैं मुक्ति, जिस स्थिति में जाकर के जीव कभी संसार में आता नहीं, इसको कहते निरापद भूमि, अपना स्वरूप पहुंचना, जब तक उस स्वरूप में नहीं पहुंचता है तब तक जाकर के उसके आनंद अनुसंधान से निवृत्ति होना संभव नहीं। हाँ उसको भ्रमित होता है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, भक्ता है, मिलता नहीं, मिलेगा नहीं, इस तरह। तो यह है मुक्ति, वास्तव मुक्ति है ये माया से, माया बंधन में जो हम फंसे हुए हैं इससे मुक्ति है, वास्तविक मुक्ति। लेकिन यहां महाप्रभु कहते हैं मुक्त मुद्द कौन मुक्त सबसे श्रेष्ठ है, अब इसमें प्रश्न चिन्ह लगता है, प्रश्न चिन्ह है, मुक्त तो हो गया लेकिन वो जो आनंद स्वरूप है ना उसके भी बहुत कैटेगरी है, आनंदमय तो हो गया वो तो ब्रह्मानंद, वो स्वरूप आनंद तो प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वरूप आनंद के ऊपर भी और आनंद है, भगवान की जो लीला है, एक है तो ज्ञानमय प्रकाश, ब्रह्म उपासना पद्धति जो ज्ञानमय प्रकाश, वहां स्वरूप आनंद मिलेगा, वहां एक आनंद है ब्रह्मानंद है, वहां तक तुम जा सकते हो, साधन के द्वारा मुक्त हो जाते हो, लेकिन उसके आगे भी है ऐश्वर्यमय उपासना, उससे भी बढ़कर आगे आनंद है, उसके ऊपर और आनंद है, जो वृंदावन में जो भगवान लीला करते हैं, वृंदावनी आनंद जो भगवान के एक सहचरी स्वरूप प्राप्त करके राधारानी के सान्निध्य में आकर के राधारानी के जो प्रेम सेवा प्राप्त करके नित्य काल के लिए जुगल किशोर के सेवा में तत्पर रहते हैं, ये आनंद कहाँ, वो ये जीव चैतन्य सत्ता में, जीव तो भगवान के अंश है, तटस्था शक्ति, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, त्रिविध शक्ति भगवान का, अंतरंगा शक्ति है चित शक्ति, संदिनी समित अल्लादिनी, हम लोग इस विषय आलोचना किया है, तटस्था शक्ति है जीव शक्ति, ये जीव शक्ति है ये ब्रह्मानंद तक जा सकता है, और बहिरंगा माया शक्ति, माया पार करके ब्रह्मानंद में आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो स्वरूप शक्ति
स्वरूप शक्ति है संदिनी संबित आह्लादिनी जो आनंददायिनी शक्ति है, वो आनंददायिनी शक्ति का सार है प्रेम, प्रेम का सार है महाभाव। जैसे दूध का सार है मक्खन, मक्खन का सार है घी, है ना ऐसा ही ये आनंद का ही जो घनीभूत विग्रह सार है, आनंद का सार है वो स्वरूप शक्ति जो चित शक्ति है वो आनंद का सार है। और आनंद का जो और सार है एकदम मूल जो जिस्ट है प्रेम की जो चरम निर्जास है वो है महाभावमय श्रीमती राधा रानी, उसका भी सार है, वो आनंद का भी सार है महाभावमय। ये साधन के द्वारा हम कहां तक जा सकते हैं, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम तक जा सकता है। प्रेम के बाद उसको आगे और क्लास पढ़ना होगा, जैसे यहाँ के एजुकेशन के बाद देखिए ये सब गोपन रहस्य, ये बाहरी सत्संग के विषय नहीं है, हमारे सब गौरिया गौरिया है तो यही ये सब आलोचना करनी, बाहर में ये सत्संग इसका कीमत देगा नहीं ना, हमको भी बोलना है, इसलिए ये रहस्य जो उपासना है उसको जानना जरूरी है। यहाँ प्रेम प्राप्ति तक प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम प्राप्ति से उसका ग्रंथि खुल जाता है, जड़ चेतन ग्रंथि भगवत दर्शन साक्षात भगवत दर्शन होता है प्रेम प्राप्ति से। राधा कृष्ण जुगल वृंदावन के अनावृत भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप भी दर्शन भी बहुत प्रकार का होता है, एक है आवृत स्वरूप, आवृत स्वरूप कभी कभी झांकी दर्शन होता है, कोई कोई कभी कभी भगवत दर्शन कर लेते हैं झांकी दर्शन, ये आवृत अनावृत नहीं, अनावृत स्वरूप दर्शन करना प्रेम पड़ जाए भिन्न छोड़ करके वहां वो दर्शन करने से शरीर धारण करना उसके लिए संभव नहीं है, शरीर छोड़ के चला जाएगा शरीर छोड़ के। तो भगवान शक्ति संचार करते हैं, जब दर्शन देते हैं आनंद मूर्छा होता है तब भगवान कृष्ण ठाकुर जी उसको शक्ति संचार करते हैं। सौरभ पहले भगवान का अंग गंध सुंदर गंध दिव्याति दिव्य गंध, ऐसे गंध वो गंध ये लोकातीत इंद्रियातीत गुणातीत इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी कहीं उसके देश पत्र कितने जो सेंट है ये सब सेंट फेंट नहीं, ये सब उसका कोई कंपेयर कर नहीं सकते, वो कैसे गंध है सुगंध है उसका कोई वर्णन होता नहीं है, वो दिव्याति दिव्य, वो गंध अगर नाक में एक छटा गया ना प्राण धारण करना संभव नहीं है। ऐसे सौरभ पहले भगवान अपने सौरभ अंग गंध ऐसे विस्तार करते हैं, उसमें वो प्रेम मूर्छा होता है, साधक फिर मूर्छित हो जाता है, फिर भगवान उनको स्पर्श करते हैं शक्ति संचार करते हैं, फिर वो उठता है वो शक्ति पा करके, फिर भगवान सौसर्ज भगवान कंठस्वर भगवान उनकी उनसे बात करते हैं, बात करते हैं उनसे जैसे जैसे साधना तद अनुसार उनको कृपा करते हैं, वात्सल्य उपासना जो है वात्सल्य भाव से जो भगवान को वात्सल्य भाव से उपासना करते हैं, माता पिता हो भगवान उनकी गोदी में जाके बैठते हैं, जो दास्य भाव से उपासना करते हैं भगवान उनके मस्तक पर हस्त प्रसारण करते हैं, जो सख भाव से उपासना करते हैं भगवान उसको छाती में लगाते हैं, जो कांता भाव के उपासक है तो भगवान उनको छाती में लगा करके चुम्बन आदि प्रदान करते हैं, ये सब साक्षात ये नहीं साक्षात इस तरह से कृतकृत करते हैं, ये प्रेम तक यहाँ संभव। उसके बाद वो हमारी उपासना में वो प्रेम सिद्ध होने से अपने स्वरूप सिद्ध हो जाता है, स्वरूप माने जो स्वरूप गुरु ने हमको प्रदान किया है वो मंदिर स्वरूप वो सिद्ध होता है, सिद्ध होने से होगा नहीं, इसके ऊपर और कई स्टेज है उसको पार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ जो हम एजुकेशन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए हमको विदेश जाना पड़ता है ना, जैसे हमारे यहाँ 6 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है और जर्मन में है 18 साल का इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास डिग्री, तो हायर इंजीनियरिंग एजुकेशन लेने के लिए आपको जर्मन जाना पड़ेगा, ऐसा है
हायर एजुकेशन के लिए कभी कभी हमको विदेश जाना पड़ता है, ऐसे हमको विदेश जाना पड़ेगा वो एजुकेशन के लिए। वो क्या स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये सब स्टेज है पर उसको ये एजुकेशन लेना पड़ेगा। चिन्मय दिव्य एजुकेशन शब्द में लगता है जैसे स्नेह मान प्रणय ये तो शब्द हम लोग सुने हैं, बोलते ना ये चीज नहीं है, प्रेम भी हम सुने बोलते ये प्रेम नहीं है, वो प्रेम अलग प्रेम, ये तो नाम मात्र प्रेम है, वो प्रेम ऐसे नहीं है। वो प्रेम की एक छटा किसी जीव में अगर किंचित समय के लिए अनुप्रविष्ट हो जाए ना वो प्रेम, तो ये पूरा विश्व ब्रह्मांड फीका पड़ जाएगा। जगत में ऐसा कोई वस्तु पदार्थ है नहीं जो पलक के लिए उसको मोहित कर सकता है, वो वस्तु उसको देख के मोहित हो सकता है। वो प्रेम का एक किंचित छटा अगर तुम्हारे अंदर राधारानी की कृपा से वो अनुप्रविष्ट हो जाएगा वो प्रेम। तो शब्द में तो लगता है प्रेम, प्रेम हम लोग भी करते हैं, बोले ये प्रेम नहीं, ये प्रेम, वो प्रेम नहीं, ये प्रेम के ऊपर भी स्नेह मान प्रणय राग भाव महा भाव, उसके लिए वो जीव चैतन्य सत्ता माने वो स्वरूप जोगमाया, आप जोगमाया उनको ले जाते हैं, लेकर के जहां जिस ब्रह्मांड में राधा कृष्ण जुगल लीला करते हैं भौम लीला, जैसे यहाँ भौम लीला करते हैं ना किया है इस दावर युग में, ऐसा ही कोई ब्रह्मांड में ऐसे भौम लीला करते हैं, एक एक ब्रह्मांड में ऐसे लीला चलती रहती है नित्य काल के लिए चलती रहती है भौम लीला। और चित जगत में जो नित्य वृंदावन में वहां तो स्थिर है, वहां तो नित्य काल के लिए लीला करते हैं, लेकिन भौम लीला कोई ब्रह्मांड में घूम घूम के ऐसे करते हैं। उस ब्रह्मांड में जाते हैं जोगमाया के द्वारा गोपी घर में उसको जन्म देते हैं, वो जन्म हमारे ऐसे भौतिक जन्म नहीं, ये भौतिक जन्म तो बड़ा कष्टदायी है, माँ के पेट में बाप रे बाप, कोई जगह नहीं स्थान नहीं, एकदम ऐसे पेशेंट चलता है जो पेशेंट दम लेने का उसको पलक पलक में अचेत हो जाता है, इतना ताप वहां गर्म सहन भी किया नहीं जाता है, मरता भी नहीं, हम लोग थोड़ा सा गर्म में हमको कितना कष्ट होता है, वहां वो गर्म का कोई ठिकाना नहीं है, और शरीर का जो प्रेशर से वो जगह बना रहता है, वह जगह है नहीं, शरीर के प्रेशर तुम्हारा शरीर जितना बड़ा होता है जगह बनता है, आप उसके टेंडेंसी रहता है दबाने का, और शरीर का टेंडेंसी रहता है, आप थोड़ा सा चिंता करो एक पल की, एक झलक अगर मान लो तुम्हारे मन में आ जाए ना इतना घबरा जाएगा, और ऐसे पड़े रहो 10 महीना, चिंता करो क्या कष्ट, एक एक पल जैसे लाखों युग बीत रहा है मुक्ति के लिए, इससे मुक्ति कब मिलेगी, ऐसे जन्म ये जन्म, और ऐसे जन्म पा करके ऐसे भोग के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा पलक पलक में अचेत हो जाता है जीवात्मा, थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा होता है 5 महीना 6 महीना में तो फिर चेतन आता है, उसके बाद तो अचेत होकर पड़ा रहता है, फिर हाथ पाँव इतना दर्द होता है थोड़ा सा पाँव सीधा कर नहीं सकता है, वो तो मांस पिंडी हो तो हड्डी में तो कोई दम नहीं, गर्दन रहता है पाँव घुटू की तरफ चिपका रहता है, माथा को थोड़ा सीधा करना कर नहीं सकता, सीधा करेंगे उपाय नहीं, घुटू को सीधा करेंगे उपाय नहीं, और प्रेशर हो प्रेशर चल रहा है चारों ओर से प्रेशर चल रहा है, पलक पलक में वो अचेत हो जाता है, चिंता करो क्या कौन से सुख में हम जी रहे हैं, कौन सुख की आशा लेकर के ये, लेकिन वहां जो जन्म है ऐसे नहीं, वहां जोगमाया कृत जोगमाया, वहां जान भी पता नहीं है कहाँ जन्म हुआ क्या हुआ, ऐसे ही इस तरह से वहां जन्म लेकर वहां आनंदमय है, या मायाबद्ध माया जोग की खेल है नहीं, वहां जोगमाया कृत वहां लीला चलती है, फिर जाके वहां ऐसा ही ललिता सखी आदि ललिता विशाखा चित्र इंद्रलेखा आदि सखियों के साथ रह करके राधारानी के साथ रह करके ये स्टेज को पार करती, इसको स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव ये एक एक उचित स्थिति महाबाप, फिर महाबाप में जाकर के समाप्ति, फिर जाके वो मंदिर स्वरूप अपरिपक्वता
एकदम परिपक्व हो गया, तब जाकर के आप जाएंगे नित्य काल के लिए जुगल सेवा में, जा रहे हैं नित्य काल के लिए, नित्य वृंदावन में नित्य काल के लिए जा रहे हैं। यह है परामुक्ति, इसके ऊपर कोई मुक्ति नहीं, यह तो मुक्ति है ब्रह्मानंद, विलय कर दिया अपने आप को, क्या मुक्ति है, इसके ऊपर जाओ आनंद तो आया जो तुम्हारा ऐश्वर्यमय उपासना, जहां भगवान विष्णु रहते हैं, विष्णु लोक हैं, वैकुंठ हैं, वहां जाते हैं। तो ये जो राधा कृष्ण उपासना, ये जो आनंद है, ये जो मुक्ति है, बोलते मुक्ति तो वो है ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने से ही मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त होने से ही वो मुक्त हो जाता है। लेकिन वहां वो जो आनंद है, वो जो मुक्ति है, वो मुक्ति उतने सर्वोपरि, इसके ऊपर कोई मुक्ति है नहीं, इसके ऊपर कोई आनंद है नहीं, इसके ऊपर कोई रस है नहीं, इसके ऊपर चिन्ह दिव्य आनंद व शुद्ध सत्व आनंद के जो चरम अभिव्यक्ति है, चरम स्थिति, इसके ऊपर कुछ है नहीं, है ना। ये है हमारे मंजरेश्वर को उपासना। तो राय रामानंद कह रहे हैं, महाप्रभु श्रवण कर रहे हैं, मुक्त मध्य कौन मुक्त सृष्ट करी गनी, बोले राधा कृष्ण प्रेम है मुक्ति शिरोमणि, ये है, ये मुक्ति जो है ये शिरोमणि, ये परम मुक्ति। तो इस तरह से सत्संग कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे काल, फिर सत्संग चलेगा महाप्रभु और राय रामानंद के, फिर महाप्रभु क्या लीला करते हैं इस विषय में हम लोग आनंद लेंगे, चलेगा हमारा, चलता रहेगा जब तक महाप्रभु प्रेरणा देंगे, तब तक जा करके आस्वादन करते रहेंगे। आज की कथा है विश्राम, फिर काल चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय गो हरि बोल, कैसे होगा अनुभव होगा कि उल्टा पलटा हो गया ना, चार रूप प्रकृति और चेतन आनंदमय, अब इसका आरोप उसमें हो गया, उसका आरोप इसमें हो गया, उल्टा पलटा हो गया, चेतन का आरोप जड़ में हो गया, जड़ का आरोप चेतन में हो गया, चेतन जड़ हो गया, जड़ चेतन हो गया, जड़ शरीर देखो चेतन हो गया, चेतन हो गया ना, चलता है फिरता है उल्टा है दिखता है घूमता है, लेकिन है जड़, शरीर तो जड़ है, मरने के बाद क्यों फिर बोलता क्यों नहीं, दिखता क्यों नहीं, जलाने से कुछ अनुभव क्यों नहीं होता है, जड़ है, लेकिन अभी देखो चलता है फिरता है बोलता है दिखता है सुनता है, चेतन का आरोप जड़ में हो गया, जड़ चेतन हो गया, और चेतन का आरोप जड़ में हो गया, ऐ जड़ का आरोप, आत्मा चेतन है वो जड़, मन मन मैं शरीर वो जड़ हो गया, बताओ जड़ हो गया नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, ये है खेल। तो जड़त्व प्राप्त होने का कारण चेतन सत्ता का जो प्रकाश है वो भूल गया, वो देखता ही नहीं, मृग मरीचि का हरिण के जैसे कुस्त्री होता है, ऐसे हमारे भीतर हम ही है, लेकिन हम कहाँ है कहाँ ढूंढ रहे हैं, यह है मामला, ये खेल है, ये है माया। Subscribe to our YouTube channel.